विजयादशमी के दिन कलश विसर्जन से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखकर माँ भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। आमतौर पर लोग विजयादशमी के दिन नवरात्रि का विसर्जन करते हैं और कलश की पूजा कर अपने व्रत का समापन करते हैं, लेकिन इस दौरान अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो निश्चित ही वह माता भगवती के विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। अब यजमान जो है अपने धर्म पत्नी को जो है वह कलश जो है उनके हाथ में देते हुए कहेंगे कि लक्ष्मी इसे तुम धारण करो, इसे तुम रखो और हमारे घर को शांति पूर्वक धन धान्य संतति दायकी कीर्ति जत लाभार प्राप्त करने का जो है ये सौभाग्य तुम्हारे हाथ में है। ये लक्ष्मी इसे धारण कर करके हमारे घर की शोभा दिन प्रतिदिन सूर्य उदय के समान देखने में लगे, पूर्णमासी के चंद्रमा के तरह प्रकाशमान हो, शीतलता हो, हमारे घर में कभी भी द्वेष भावना उत्पन्न ना हो। बाल है और ये बाल जो है भगवती का बड़े शोभा युक्त है। ये बाल को देखने के बाद जयंती को देखने के बाद बेहद प्रसन्न होता है। जिसके घर में जो जयंती तैयार हो जाते हैं वह घर जो है कभी जो है लक्ष्मी से खाली नहीं होते। सौभाग्यवती के लिए जो है वह खोचा में दिया जाता है और वह ले जा करके किया में रखते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर तक जो है पति दीर्घ आयु हो गए। भगवती का चरण तो पहले है पूजा के समय उनके चरण पर डाल करके वही प्रसाद लेकर के सभी को दिया जाता है। विजयादशमी के दिन कलश के आसपास लगी जयंती को सबसे पहले माता दुर्गा के चरण पर समर्पित कर उसे पुरुषों को अपने कान के ऊपर धारण करना चाहिए। साथ ही महिलाओं को चाहिए कि वह उस जयंती को घर की तिजोरी में या किसी किया में बंद करके रखें, इससे धन धन्य की प्राप्ति होती है। तो इस दुर्गा पूजा आप भी इन उपायों को करके माता दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। जमुई से गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।